गोपियों के वस्त्र एक दिन भगवान ने चुराए। अच्छा, गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थी, भगवान ने कपड़े चुरा लिए। कपड़े चुराना सही था कि गलत था? जोर से गलत था। क्यों? पब्लिक प्लेस में कोई निर्वस्त्र होके नहाए तो सही है? आपकी बहन बेटियां पब्लिक प्लेस में नहा रही होती नदी तालाब में, सारे कपड़े उतार के, सही था? उन्हें प्यार से समझाते तो मानती नहीं, इसलिए तरीका अलग था भगवान का, कपड़े चुरा लिए ताकि कल से ये गलतियां ना करें। यदि कपड़े ना चुराते तो आज समाज में कपड़े उतार करके नहाने की परंपरा बन जाती, कोई रोक ना पाता। इसलिए भगवान ने ये कपड़ा चुरा कर समाज को मैसेज दिया कि आप गलत परंपरा नहीं, पब्लिक प्लेस में हो या घर के अंदर हो, निर्वस्त्र हो के स्नान करना अपराध है, इसलिए शरीर में कुछ कपड़े धारण करके ही स्नान करना चाहिए, यही मर्यादा है। ये मैसेज दिया भगवान। बोलो हाँ, भगवान जो करते हैं सही करते हैं। अपनी खोपड़ी बिल्कुल ना लगाओ जहां भगवान की बात हो, क्योंकि जो आप सोच सकते हैं भगवान उससे ज्यादा करते हैं। बोलो हाँ। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने बाद में कपड़े लौटाए, लो, पर आगे से आइंदा याद रखना, निर्वस्त्र होके मत नहाना, नहीं कल फिर चुराऊंगा। इसी डर से नहीं चुराए, इसी डर से नहीं नहाई, इसी डर से ये परम। भारत में कपड़े चुराए तो भारत की महिलाएं नहीं नहाती, विदेशों में तो लोग निर्वस्त्र ही नहा रहे हैं, क्योंकि वहां कृष्ण पहुंच नहीं पाए ना कपड़े चुराने, इसलिए विदेशों में तो बिल्कुल ऐसे ही है, ओपन में जरा सा कपड़ा पहन के, जो अब जरा सा भी उसे पहना ना पहना एक ही माना जाएगा, अर्ध नग्न। गलत है ये, रॉन्ग था, इसलिए गोविंद ने ठीक किया। हाँ या ना, भगवान ने सही किया गलत किया? सही किया, बिल्कुल ठीक किया। हमारे कन्हैया जो करते ठीक करते, जिसे बुरा लगे तो लगे। तो यज्ञ पत्नियों पर कृपा की भगवान ने, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की।